हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक ही कार वर्ल्ड। मेरा नाम है आसिफ खान। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम देखने वाले हुंडई की एक्स्ट्रा बेस वेरिएंट, ईएक्स वेरिएंट है ये। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिसिंग है। मैं एक एक करके आपको फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे और क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको की मिल जाएगी। एक फोल्डेबल की आ जाती है जिसमें लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉक का ऑप्शन मिलता है और एक मैनुअली की मिल जाती है आपको। फ्रंट से अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो फ्रंट में आपको जो इसके अपर वेरिएंट में आपको DRL मिलता है, वो DRL इसमें अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ये आपको एक सिर्फ शो के लिए दिया हुआ है DRL शेप में। नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स आ जाते हैं इसके अंदर। फ्रंट में और कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। साइड प्रोफाइल से आप नोटिस करेंगे तो इसमें आपको व्हील कैप्स नहीं आते हैं, व्हील कैप्स मिसिंग है इस वेरिएंट में। मिरर और हैंडल आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल है इसके अंदर। साइड प्रोफाइल से आप अगर आप इसको और ऊपर से नोटिस करेंगे तो इसमें आपको रूफ रेल्स भी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की हाइट आपको शायद देखने में थोड़ी सी छोटी लगे। कुछ इस तरह से आपको इसका इंटीरियर मिल जाएगा। आप नोटिस करेंगे आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम मिसिंग है, स्टेयरिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल्स नहीं आते इसके अंदर। बेस वेरियंट है तो म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल नहीं होता इसके अंदर। ऑल ब्लैक इंटीरियर आ जाएगा जो कि नॉर्मल एक्सटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ड्राइवर डोर पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट की दो सिर्फ पावर विंडोज़ का ऑप्शन मिलता है आपको। ऑल फोर पावर विंडोज़ नहीं है, सेंटर लॉकिंग नहीं है और मिरर एडजस्टमेंट भी आपको नहीं मिलता है इसमें। मैनुअली मिरर एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। बेस वेरिएंट होने के बावजूद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और 6 एयरबैग्स के ऑप्शन मिलते हैं जो कि सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है। जैसा आपको पता है हुंडई की सारी गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होते हैं फ्रॉम बेस वेरिएंट ऑनवर्ड्स। आइए इस कार को रियर से देख लेते हैं। रियर में अगर आप देखेंगे तो इसमें डीफॉगर कैमरा नहीं अवेलेबल है, लेकिन आपको सेंसर्स बेस वेरिएंट से ही अवेलेबल मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रियर से ये गाड़ी कुछ ऐसी दिखेगी। साइड में एक्सटर का बैजिंग भी मिल जाता है आपको। तो आप सबको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।